आप सभी को राधे राधे। प्यार भरा प्रेम, आप सब सकुशल होंगे और आपके परिवारजन भी सकुशल होंगे। तो आज हम भगवद गीता की बात करते हैं। भगवद गीता एक अमूल्य निधि है। इस कलिकाल युग में भगवद गीता का पढ़ना, श्रवण करना और उसको लोगों तक पहुंचाना बड़ा ही सुंदर कार्य है। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा बखान करने, वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसका रहस्य इस कलयुग से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और भगवान के परब्रह्म लोक गोलोक धाम तक इस गीता का महात्म्य अति ही सुंदर है और अति पावन है, क्योंकि ये परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार है, संपूर्ण उपनिषदों का सार है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने पर भी अपनी वाणी को, वाणी के द्वारा उसको सहज ही समझा जा सकता है, अर्थात प्राप्त करा जा सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं होता। प्रतिदिन नए नए भाव से उत्पन्न हो रहे हैं, अभ्यास करते रहने पर श्रद्धा भक्ति सहित गीता जी का पाठ करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नि शास्त्रे विस्तरी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मासना सुते। गीता सुगीता करने योग्य है। भगवत गीता का एक ऐसा अनुपम्य शास्त्र जो भगवान के मुख से निकला है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्रे विस्तरी या स्वम पद्मनाभस्य मुख पद्मादिना श्रुति। और इसको एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्री गीता जी भगवान के लिए मुख्य दो मार्ग बताए गए, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। राधे राधे।